This is Amar sir and स्वागत है आपका अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे. जैसा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 12 क्लास इंग्लिश का सिलेबस, आज मैं ग्रामर सेक्शन से पहला टॉपिक आर्टिकल बताने जा रहा हूं. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस स्टार्ट द टॉपिक नंबर 1 आर्टिकल. ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल का डिफिनेशन क्या होता है. तो एन आर्टिकल इज अ वर्ड व्हिच इन्फॉर्म्स अबाउट द अराइवल ऑफ नाउन. मतलब ये कि आर्टिकल शब्द है जो हमें नाउन आने की सूचना देता है. ठीक है, तो आपने जान ही लिया कि आर्टिकल किसे कहते हैं. आर्टिकल वह शब्द या अक्षर है जो हमें नाउन आने की सूचना देता है. ठीक है, अब चलते हैं कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं. आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं. नंबर 1 डिफिनिट आर्टिकल और नंबर 2 इनडिफिनिट आर्टिकल. ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल और नंबर 2 इनडिफिनिट आर्टिकल. ठीक है, अब डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है उसके बारे में बताते हैं. वह आर्टिकल जो किसी नाउन को डिफिनिट करता है उसे डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं. ठीक है, वह आर्टिकल जो किसी नाउन को डिफिनिट करता है उसे हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं. तो द इसका एग्जांपल है, द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं. ठीक है, मतलब ये हुआ कि द को डिफिनिट आर्टिकल और ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं. अब हम चलेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग क्या क्या होता है. तो सबसे पहले मैं आपको ए और एन का प्रयोग बता देता हूं. ठीक है, पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं. नंबर 2 कलेक्टिव नाउन, ऐसे नाउन जिससे कलेक्शन का बोध होता, समूह का बोध होता है, वैसे नाउन के नाम से पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं. ठीक है, नंबर 3 फ्रेज एंड एडियम, कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं. फ्रेज का मतलब मुहावरा होता है. ठीक है, तो कुछ ऐसे मुहावरे या मुहावरा जिसके पहले हम ए और एन लगाते ही लगाते हैं, नहीं तो वो गलत हो जाते हैं. जैसे ठीक है, ए ब्लैक सी, जैसे ए ब्लैक सी इस प्रकार का. उसके बाद ए रेड लेटर डे, तो ये जो है ये दोनों मुहावरे हैं और इसके पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, नंबर 4 में चलते हैं, एक्सक्लेमेशन. नंबर 4 एक्सक्लेमेशन वर्ड या एक्सक्लेमेटरी वर्ड, मतलब ये एक सेंटेंस में जब एक्सक्लेमेटरी वर्ड का प्रयोग होता है तो उसके पहले भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं. अब सबको एक एक लाइन से समझ लेते हैं. ठीक है, तो पहले चलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन. तो ऐसे नाउन जिसको हम गिन सकते हैं और जो सिंगुलर हो, एक वचन में हो और जिसको हम गिन सकते हैं, उसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं और उसके पहले हम ए और एन लगा सकते हैं. ठीक है, जैसे डैश बॉय, तो ए बॉय, बॉय जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. बॉय सिंगुलर है और काउंटेबल भी है. ठीक है, इसलिए इसमें हम ए लगा सकते हैं. डैश चेयर, चेयर एक वचन में है इसलिए चेयर से पहले हम ए लगा सकते हैं. बॉय से पहले हम ए लगा सकते हैं. डैश एप्पल, एप्पल भी सिंगुलर है और काउंटेबल है और एप्पल में हम ए नहीं लगाकर एन लगाते हैं क्योंकि ये वोवेल से शुरू हुआ इसलिए. तो इस प्रकार से मैंने देखा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी ए और एन का प्रयोग होता है. ठीक है, नंबर 2 में देखते हैं कलेक्टिव नाउन. जैसे ए
bunch of keys. A bunch of keys. A gang of robbers. A band of musicians. तो इसमें एक नाउन ऐसा है जो समूह का बोध कराते हैं, ठीक है? तो ये समूह का जो बोध करा रहे हैं उसमें हम ए ए ए का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्टिव नाउन से पहले भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। नंबर थ्री में फ्रेज। फ्रेज का एग्जाम्पल मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है? तो जैसे ए रेट लेटर डे का मतलब होता है यादगार दिन, तो इसमें मैंने ए लगाया। ए ब्लैक शीप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति, इसमें भी मैंने ए लगाया है। इन अ फिक्स, यहां पर ए लगा हुआ है। इन अ फिक्स का मतलब होता है उधेड़ बुन में होना, ठीक है? जैसे पांच जींस आप देख रहे हैं और पांचों आपको पसंद है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ले, उसी को हम कहते हैं उधेड़ बुन में होना, ठीक है? नेक्स्ट में होता है नंबर फोर में एक्सक्लामेटरी वर्ड, एक्सक्लामेशन वाले वर्ड से पहले। जैसे व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है। व्हाट ए जोक, तो व्हाट अ जोक, ये भी एक एक्सक्लामेटरी वर्ड है। व्हाट एन आइडिया, तो आइडिया से एक्सक्लामेटरी का बोध हो रहा है। आश्चर्यजनक चीज का बोध हो रहा है, मतलब इस पर आश्चर्य का बोध हो रहा है, जिसके कारण हम एक्सक्लामेटरी वर्ड से पहले भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो ये रहा आपका ए और एन का प्रयोग, ठीक है? अब कहां कहां पे ए और एन का प्रयोग करेंगे उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, ठीक है? आप उसे देख ले, ठीक है? और उसके बाद उसे बनाकर दिखाए, ठीक है? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स, नंबर सेवन, नंबर एट, नंबर नाइन, नंबर टेन, ये दस सेंटेंस मैंने दिया है, इसे आप बना के इसका उत्तर लिखकर भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू। वेव माइंड।